डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन वाले, उसके बाद में उससे संबंधित कुछ थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो अपन देखेंगे। तो एन ऑपरेटर और टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस एच इज कॉल्ड सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इफ टी स्टार इक्वल टू टी, अर्थात ऑपरेटर टी का एडजॉइंट और टी खुद सेम हो तो वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। वैसे भी नाम से भी क्लियर है कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर खुद का एडजॉइंट है, खुद ही है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल अपन देखें कि जीरो ऑपरेटर है, या जीरो मैप अपन कहें, आइडेंटिटी मैप है और सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो फॉर एग्जांपल जीरो मैप एंड आइडेंटिटी मैप, आइडेंटिटी मैप आर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। आपको याद भी रखना है कि जीरो है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, एंड आइडेंटिटी मैप है वो भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। सिंस अब देखते हैं कि इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स, जीरो स्टार वाई लें, एक्स और वाई आपके पास हिल्बर्ट स्पेस एच के एलिमेंट्स हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो एक्स और वाई। आपको बताया था कि ये ऑपरेटर के लिए इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स, टी आपका ऑपरेटर है ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, टी एक्स वाई इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स टी स्टार वाई होता है। तो यहाँ जीरो का एडजॉइंट है तो एक्स के साथ में आएगा तो जीरो ऑपरेटर हो जाएगा, और ये जो है वो इक्वल टू आ गया जीरो और वाई, और रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये जो ऑपरेटर आपका है, सॉरी, जीरो और जीरो को अपन क्या लिख सकते हैं, इनर मल्टीप्लीकेशन एक्स जीरो वाई, इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स, या यूँ कहें कि इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ की एक्स और जीरो लिख सकते हैं, और जीरो की जीरो ऑपरेटर और वाई लिख दिया। तो अपन देख रहे हैं कि इस रिजल्ट से आपके पास क्या आ गया कि जीरो आपका है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। आल्सो आप देखते हैं कि इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स आइडेंटिटी मैप का एडजॉइंट वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैप एक्स वाई, और आइडेंटिटी मैप एक्स कितना होता है, एक्स खुद होता है और वाई इक्वल टू इसको आप एक्स आइडेंटिटी मैप ऑफ वाई लिख दीजिए। सो आई स्टार बराबर आई, अर्थात आइडेंटिटी मैप है वो भी आपका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट अपन एक छोटी सी थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है कि इफ टी इज नॉन सिंगुलर ऑपरेटर, नॉन सिंगुलर ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, देन टी स्टार इज, अर्थात उसका एडजॉइंट है
is also non-singular. Non-singular. And T का adjoint का inverse equal to T के inverse का adjoint होता है. ये operator T है वो non-singular है. Non-singular है means inversible है. तो since T is non-singular, singular operator, तो implies T is inversible. Non singular है वो inversible के लिए ही काम में लेते हैं. T आपका inversible है तो means T और T inverse वो क्या होगा inversible ऑपरेटर की डेफिनेशन के अनुसार या इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार ये क्या होता है टी इनवर्स टी और क्या आइडेंटिटी मैप. तो ये इम्प्लाइज करेगा टी टी इनवर्स क्योंकि अपन को निकालना है कि टी स्टार का इनवर्स है वो टी इनवर्स स्टार होता है. तो अपन क्या करेंगे कि इसका अपन इसका एडजॉइंट ले लें क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो इसका भी एडजॉइंट और आइडेंटिटी मैप है इसका एडजॉइंट है वो सेम होंगे. और आइडेंटिटी मैप का एडजॉइंट है वो आई होता है अभी बताया आपको क्योंकि आइडेंटिटी मैप है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है. साथ में आपको बताया था कि एस टी स्टार बराबर टी स्टार एस स्टार तो यह आ जाएगा टी इनवर्स स्टार टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी इनवर्स स्टार सिंस आई स्टार इक्वल टू आई एंड एस टी स्टार बराबर टी स्टार एस स्टार ये आपको पिछली कक्षा में बताया था उनको यूज किया एक तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया. तो ये इम्प्लाइज कर रहा है पहले अपन सेकेंड वाले टर्म्स है उसको पहले लिख दें तो टी स्टार टी इनवर्स स्टार इक्वल टू टी इनवर्स स्टार टी स्टार और आई. तो ये इम्प्लाइज कर रहा है टी स्टार है वो इनवर्सिएबल है इज इनवर्सिएबल दैट इज नॉन सिंगुलर एंड टी स्टार का इनवर्स वो क्या है टी इनवर्स स्टार. अपने क्या किया कि इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया इसको यहाँ लिख दिया ये लिख दिया इसको यहाँ लिख दिया क्रम तो चेंज किया. तो ये इम्प्लाइज कर रहा है टी स्टार इज आल्सो नॉन सिंगुलर आल्सो नॉन सिंगुलर. एंड टी स्टार का इनवर्स है वो टी के इनवर्स का एडजॉइंट है. तो ये एक छोटी सी थ्योरम्स थी नॉन सिंगुलर वाले को यूज करके. अब एक और कर लेते हैं थ्योरम एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं ये थ्योरम्स ध्यान से कीजिए नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हैं आप कभी भी. इफ टी इज an arbitrary operator on a Hilbert space H then T
ऑपरेटर है वो जीरो ऑपरेटर होगा इफ एंड ऑनली इफ इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स एंड वाई. ध्यान रही एक्स और वाई हिल्बर्ट स्पेस है, इसके ही एलिमेंट्स हैं. फॉर ऑल एक्स एंड वाई तो टी आर्बिट्री ऑपरेटर है, आपको दिखाना है टी इक्वल टू जीरो इफ एंड ऑनली इफ इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई इक्वल टू जीरो. सपोज टी इक्वल टू जीरो तो इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी जीरो की जगह क्या आ जाएगा जीरो वाई और रिजल्ट आ जाएगा जीरो. कन्वर्सली अपन ये ले लें इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स एंड वाई, तो वाई की जगह अपन टी एक्स रखेंगे और टी एक्स रखने पर आपके पास है टी एक्स का मान जीरो आ जाएगा. तो सपोज टी इक्वल टू जीरो, जीरो मीन्स जीरो ऑपरेटर, जीरो ऑपरेटर सिंपल जीरो में समझ लेना. देन फॉर ऑल एक्स एंड वाई, फॉर ऑल एक्स एंड वाई वी हैव इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन टी की जगह जीरो रखेंगे जीरो एक्स वाई, जीरो ऑपरेटर है तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा जीरो. तो इक्वल टू जीरो वाई और रिजल्ट आपका जीरो आ गया. कन्वर्स ले लें सपोज दैट इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन फॉर ऑल एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ एच के लिए सेटिस्फाई ले रहे हैं तो इम्प्लाइज इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ एच टेकिंग वाई इक्वल टू टी एक्स. अब ये जो ऑपरेटर टी जो है, टी आपके पास ऑपरेटर है ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच, तो मीन्स टी क्या है, टी आपका कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ से टी में. साथ में अपन यहाँ पर ये लिख दें कि टी है वो एस से एच में ऑपरेटर है, तो ये आपका कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. सो आप देख रहे हैं कि यदि एक्स कि एक्स एलिमेंट्स है एच का, तो इम्प्लाइज टी एक्स किसका एलिमेंट्स है, वो भी एच का ही एलिमेंट्स है. तो वाई की जगह मैंने क्या ले लिया, टी एक्स ले लिया, क्योंकि ये जो कंडीशंस है ये कंडीशन आपकी फॉर ऑल एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ एच के लिए सेटिस्फाई हो रही है. तो अपन ने क्या किया कि y की जगह अपन ने क्या ले लिया, टी एक्स. टी एक्स भी y का ही एलिमेंट, h का ही एलिमेंट्स है. तो ये इम्प्लाइज करेगा इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ x टी एक्स इक्वल टू जीरो. तो ये क्या आ जाएगा, या तो इस तरह से कर दें नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी एक्स थोड़ा सा बढ़ाएं तो इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज टी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इन एच. तो टी क्या हो गया, जीरो ऑपरेटर. तो इम्प्लाइज टी इक्वल टू जीरो, जीरो ऑपरेटर. तो इस तरह से अपन इसको करेंगे
आपको ध्यान में भी रखना है कि यदि टी आपका आर्बिट्री ऑपरेटर है ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच में, देन टी इक्वल टू जीरो इफ एंड ऑनली इफ टी एक्स और वाई का लीनियर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ एच। थैंक्स स्टूडेंट्स।